पाकिस्तान की एक काबिले फख्र हस्ती आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब मोहतरम डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। Phenomenal achievements of science and technology in modern times and their impact on every sector of human endeavor have made it imperative for the developing countries to recognize their vital role in the plans of national development. Crystallization is a very difficult technique in chemistry, trying to crystallize some materials. So I remember once I was invited to give a lecture at Delhi University in the chemistry department, and the late Professor Seshadri, who was also a very eminent scientist and fellow of the Royal Society, told me that whenever we had serious problems and we couldn't crystallize anything, we used to say, "Go send it to Professor Siddiqui, he will do it for us." तालीम मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो उन पर उर्दू उस ज़माने में कोई मुतनाज़ ज़बान नहीं थी, यानी हिंदुस्तान में 20वीं सदी के 10 सदी की दूसरी तिहाई में तुरंत हिंदुस्तानी कौम परस्ती और उर्दू से ताल्लुक की बिना पर उनका यह एहसास बहुत ज़्यादा था कि हमारे यहाँ साइंस की तालीम जो है वो उर्दू में होनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने कीमिया की दर्सी किताब के नामियाती दर्सी किताब का आगाज भी किया, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने लिखा। उसके साथ ही साथ जामे उस्मानिया में जहाँ पर उर्दू में तालीम होती थी और इस्तलाहात भी उर्दू की बनाई जा रही थी, उन्होंने उसका भी जायजा लिया, उस पर भी तनकीद की। आई मस्ट बी कवरिंग समथिंग लाइक 4 or 5 माइल्स from 9 to 1 o'clock that I still work in the laboratory. उन्होंने कीमिया की दर्सी किताब जो तारीफ पर लिखाई उसमें अनासिर के उर्दू नाम दिए, न सिर्फ उर्दू किए बल्कि उन्होंने उनकी अलामतें जो थी वो भी उर्दू की तजवीज़ की, न सिर्फ उन्होंने अलामतें उर्दू की तजवीज़ की बल्कि उनकी इक्वेशन फार्मूले जो होते हैं वो भी उन्होंने उर्दू में लिखे। इसी एहसास के तहत उन्होंने पाकिस्तान में कारवान साइंस PCSIR का जरीदा शाई किया उर्दू में साइंस का, और इसकी नकल में इंडियन CSIR ने बाद में साइंस की दुनिया जारी किया। अफसोस के पाकिस्तान में उनके जारी करदा रिसाले को जारी नहीं रखा जा सका। खवातीन व हज़रात, अब मेरी उम्र 94 साल की हुई है और इसलिए
इस लंबे सफर में अगर कुछ सीखा है तो ये कि खामोशी सबसे बेहतरीन नुस्खा है ज़िंदगी का। इस पर हंसी आती है कि खामोशी के सिलसिले में आगे आती थी आले दिल में हंसी। बस और क्या अर्ज करूं, इसी पर बस करता हूं। खुदा हाफिज़।